Welcome back to Minds Mind Tutorials. We were seeing fertilization topic and now we are up to the activation. And before this activation, we have already seen four topics in this fertilization topic. First was physical, then chemical, then it was cytological factors, and the last were the physiological factors which influence the fertilization. And in this segment, we are going to start with the activation, and theories of activation will also be completed in this part. So let's get started. नाउ वॉट इज एक्टिवेशन, जो प्रोसेस होती है इनिशिएटिंग करने की या इनिशिएट करने की डेवलपमेंट ऑफ एग को लेकर, उसको एक्टिवेशन कहा जाता है. इनिशिएटेड स्टिमुलेटेड होती है बाय स्पर्म एंड एग रिस्पॉन्ड्स टू स्पर्म बाय फॉर्मिंग फर्टिलाइजेशन कोन. हमने ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है पिछले वीडियो सेगमेंट्स में स्टडी की थी, फर्टिलाइजेशन कोन और जो ट्यूब्यूल्स होते हैं एक्रोसोमल ट्यूब्यूल्स, उन सबकी टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी. तो इसी बारे में बात की जा रही है कि अगर एग जो है वो रिस्पॉन्ड करता है स्पर्म को तो वो फर्टिलाइजेशन कोन को फॉर्मेशन कर लेता है एंड अंडर गो सरफेस एंड इंटरनल चेंजेस. और फिर उसके अंदर सरफेस पर और उसके इंटरनल यानी कि अंदर वाले पोर्शंस में भी चेंजेस आने लगते हैं. दीज चेंजेस कंस्टिट्यूट एक्टिवेशन, और यही चेंजेस जो होते हैं वो मिलाकर बना देते हैं एक्टिवेशन को. नाउ फॉलोइंग चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग एक्टिवेशन, यहाँ FFG का मतलब फॉलोइंग है. तो अब जो चेंजेस एक्टिवेशन में होते हैं उन्हें देखेंगे. फर्स्ट होते हैं एग सरफेस फॉर्म फर्टिलाइजेशन कोन. जैसे कि हमने पहला पॉइंट देखा था, जो भी एग का सरफेस होगा वो क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन कोन को बना लेगा. सेकेंड पॉइंट है विटलाइन मेम्ब्रेन जो होती है वो लिफ्टेड हो जाती है, उठ जाती है थोड़ी ऊपर की तरफ और कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में. जो विटलाइन मेम्ब्रेन है उसको अब हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का नाम देने लगते हैं. थर्ड पॉइंट है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्सप्लोड, जो भी ग्रेन्यूल्स होंगे वो एक्सप्लोड कर जाएंगे. फोर्थ साइटोप्लाज्म एग्जिबिट्स मूवमेंट, जो साइटोप्लाज्म है अब उसमें मूवमेंट देखने को मिलेंगे. इससे पहले जो हमने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे उसमें हमने ये बेसिकली ये चार पॉइंट्स उसी में हमने डिस्कस करे थे. फिफ्थ पॉइंट है परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेस, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे उसकी और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है. सिक्स पॉइंट है कोएंजाइम NAD इज फॉस्फोराइलेटेड, यहाँ फॉस्फोराइलेशन हो जाता है कोएंजाइम का, जिसमें हमने NAD का एग्जांपल लिया था, रिएक्शन भी वहां पर देखी थी. सेवन्थ पॉइंट कहता है रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस का रेट होगा वो इंक्रीज होने लगेगा. एट्थ विल बी माइटोसिस इज इनिशिएटेड, माइटोसिस जो है वहां इनिशिएट होने लगता है. वहां भी हमने देखा था कि बेसिकली जो स्पर्म्स होते हैं वो अपने सेंट्रियोल प्रोवाइड कर देते हैं और फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन वहां पर अकर करता है, ब्रेकडाउन होता है पॉलीसेकेराइड का और एंजाइम जो डिहाइड्रोजिनेस होते हैं वो भी इंक्रीज होने लग जाते हैं. तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक्टिवेशन में मेनली होती है. अब हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ एक्टिवेशन. तो अब कैसे स्पर्म जो है वो एक्टिवेट कर रहा है एग को, उसकी पूरी थ्योरीज है. तो जो फर्स्ट थ्योरी थी वो थ्योरी ऑफ बॉवेरी कहलाती है, 1887 और 1895 की बात थी. बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने ये थ्योरी को दिया था. जो मैच्योर एग होता है उसके अंदर कोई डिवीजन सेंटर नहीं होता, यानी कि उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है. तो सेंट्रियोल उसमें नहीं होता, रेस्ट ऑल फैक्टर्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं. अब स्पर्म जो होता है वहाँ पर डिवीजन सेंटर प्रेजेंट होता है. तो जो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो स्पर्म होता है वो अपने सेंट्रियोल को इंट्रोड्यूस करवा देता है, अपने एक्टिव डिवीजन सेंटर को एग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता है. और ये जो डिवीजन सेंटर होता है उसके बाद एग को एक्टिवेट करता है, जिससे कि एग फर्दर जो डिवीजन होता है जायगोट फॉर्मेशन के बाद के क्लीवेज और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब शुरू कर देता है. तो सेंट्रियोल यहाँ पर बेसिक चीज़ होती है जिसके बारे में थ्योरी ऑफ ओवरी में कहा जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरी ऑफ लॉएब. थ्योरी ऑफ लॉएब 1913 की बात थी. लॉएब ने ये सजेस्ट किया था कि जो स्पर्म रहते हैं ब्रिंग्स टू प्रिंसिपल्स, उसमें दो प्रिंसिपल होते हैं. पहला प्रिंसिपल ये होता है लाइटिक प्रिंसिपल, जो लाइसिस एंजाइम होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, जो लाइसिस की फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं. तो जो लाइटिक एंजाइम्स होंगे उनके प्रिंसिपल कहते हैं इट ब्रिंग्स अबाउट कॉर्टिकल साइटोलाइसिस, जो भी कॉर्टिकल साइटो पोर्शन होता है उसमें लाइसिस लाते ब्रेक डाउन कर देते हैं, विच लीड्स टू, जिसकी वजह से क्या होता है सडन इंक्रीज हो जाता है इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ एग. तो एग की जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसमें सडन इंक्रीज इसी लाइटिक प्रिंसिपल की वजह से आता है. सेकंड प्रिंसिपल कहता है रेगुलेट्स साइटोलाइसिस एंड एक्सेस ऑक्सीडेशन, जो स्पर्म होते हैं वो रेगुलेट करते हैं साइटोलाइसिस को, साथ में जो भी एक्सेस ऑक्सीडेशन है उसको भी वहां पर वो रेगुलेट करेंगे. थ्योरी ऑफ बैटेलियन 1910, 11, 13 और 16, जो बैटेलियन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बिलीव करा था कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा वो इनिबिटेड इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मेटेलिक प्रोडक्ट्स. अब क्या होता है, जो भी उसकी सरफेस होती है उस पर कुछ मेटल के प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जमने लगता है. तो एंट्री जो होती है स्पर्म की लीड्स टू रिलीज ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू एग्स एक्सटीरियर. तो अब क्या होता है, जो एंट्री होती है स्पर्म की वो उनको एक तरह से उनके एग के एक्सटीरियर पे की तरफ
लेके जाती है, और ये जो रहता है दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पेरीविटलाइन फ्लूइड एंड एलिवेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और इसी वजह से फर्दर क्या होता है एक्यूमुलेशन होने लगता है पेरीविटलाइन फ्लूइड का, और जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है उसका एलिवेशन होने लगता है, वो लिफ्ट होने लगती है, ऊपर की तरफ आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी थ्योरी ऑफ बैटेलियन में। फोर्थ है हमारे पास फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग थ्योरी। तो ये जो थ्योरी थी वो एफ आर लिली ने स्टेट की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें यहाँ पर इनके साइंटिस्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए गए हैं तो हमें इसको लर्न करना है। एफ आर लिली, इन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी, और इन्होंने कहा था कि जो एग है वो एक्टिवेट होता है इस रिएक्शन के थ्रू। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी, जिसको हमने फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन कहा, अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो फिर आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो एग का जो एक्टिवेशन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। और जो फर्टिलाइजिंग होता है वो एक तरह का ग्लाइको प्रोटीन होता है जो कि एग के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, वहीं जो एंटी फर्टिलाइजिंग होता है वो एक तरह का एसिड प्रोटीन होता है जो कि स्पर्म के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर ही लिया है तो हमारा वो क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी, की क्या ऐसी चीज होती है जो विस्कोसिटी में चेंजेस ला सकती है। अब ये जो थ्योरी थी उसको पोस्टुलेट कराता हेल ब्रुन ने 1915-28-43। तो हेल ब्रुन का नाम भी यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी हमें लर्न करना होगा। तो चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी क्या कहती है, जब एक्टिवेशन होता है तो कैल्शियम रिलीज हो जाता है एग के साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसी वजह से वहां पर एक इंक्रीज आ जाता है विस्कोसिटी ऑफ एग साइटोप्लाज्म में, और ये जो चेंजेस रहते हैं वो इनिशिएट कर देते हैं डेवलपमेंट को। तो ये थी चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी कि एक्टिवेशन के टाइम पर कैल्शियम का रिलीज होगा एग के साइटोप्लाज्म के अंदर और वहां पर फिर इंक्रीज होने लगेगा विस्कोसिटी के अंदर। तो ये सारी थ्योरी यहां पर थी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ टाइलर। सो नाउ व्हाट थ्योरी ऑफ टाइलर सेज इस 1967 की बात थी। ये थ्योरी ऐसा कहती है कि इसने एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दिया था फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एग। थोड़ा अलग टाइप की थ्योरी थी। सी अर्चिन के जो एग रहते हैं उसमें ऑब्जर्व किया गया था कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो इनिशिएट होता है इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही अगर हम बात करें जो मैच्योर अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, इन द मैच्योर अनफर्टिलाइज्ड एग, मैच्योर तो है लेकिन फर्टिलाइज नहीं है, ऐसे एग में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो निल होता है, बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। Although it contains the entire machinery for protein synthesis, हालांकि उसके अंदर पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीनरी पूरे apparatus होते हैं, फिर भी वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट mRNA इन द अनफर्टिलाइज्ड एग इज मास्ड और इनएक्टिवेटेड। इसी वजह से जो mRNA होता है अनफर्टिलाइज्ड एग में वो क्या करता है, ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि mRNA जो रहता है अनफर्टिलाइज्ड एग का वो मास्ड रहता है या फिर इनएक्टिवेटेड रहता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा, क्योंकि mRNA एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब अगर वही मास्ड रहेगी इनएक्टिवेटेड रहेगी तो वो कैसे आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। अब जो मास्किंग सब्सटेंस रहता है वो सपोज किया जाता है टू बी अ प्रोटीन, उसको माना जाता है कि वो खुद ही एक प्रोटीन है एट फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद द मास्किंग प्रोटीन इज फ्रीड एंड mRNA इज अनमास्क। एट लास्ट क्या होता है, जो मास्किंग प्रोटीन था उसको फ्री कर दिया जाता है और mRNA को अनमास्क कर दिया जाता है, इसी वजह से अब वो पार्टिसिपेट कर पाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के साथ। अब ये जो डिसोल्यूशन होता है मास्किंग प्रोटीन का, कि ये जो प्रोटीन पहले उस mRNA पे लगा हुआ था जो उसको आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने दे रहा था, उसका डिसोल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है, तो वो एक एंजाइम के थ्रू होता है जो कि लिबरेट किया जाता है एग के अंदर बाय द स्पर्मेटोजोआ एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो होता है उसी टाइम पे जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसके ऊपर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जो अनमास्किंग करता है mRNA के ऊपर से, और फिर फर्दर जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो शुरू हो पाती है। थ्योरी ऑफ डी इनहिबिशन, ये थ्योरी जो है वो बेस्ड थी ऑब्जर्वेशन ऑफ रन स्ट्रॉम के और ब्रैकेट के, इनका दोनों का साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू देम उनके हिसाब से क्या हुआ था, ड्यूरिंग मैचुरेशन, जब मैचुरेशन होता है मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं ओसाइट के अंदर, दिस इज एलिमिनेटेड एंड एग इज डी इनहिबिटेड। और इनके हिसाब से ये होता है कि बाद में फिर वो ओसाइट में से एलिमिनेट हो जाते हैं और उसके बाद जो एग है वो डी इनहिबिटेड भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इन दोनों ने थ्योरी ऑफ डी इनहिबिशन में कही थी, कि ओसाइट के अंदर उनके हिसाब से मैच्योरेशन मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स जो होते हैं वो ओसाइट पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं।